अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शरबत बनाने की रेसिपी। ये शरबत बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे इस शरबत को ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। शरबत बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है रसना। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फ्लेवर रसना यूज़ किया है 2 टेबल स्पून। 8 से 10 टेबल स्पून के करीब हम चीनी यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कटे हुए यूज़ करें। दही 2 से 3 टेबल स्पून और आइसक्रीम। आइसक्रीम आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि आप चॉकलेट फ्लेवर को ना लें। अब हम एक मग लेंगे। मग में मैंने यहाँ पे 1 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद आपको वेट करना है तब तक जब तक कि चीनी आपका डिज़ोल्व नहीं हो जाता। आप चम्मच की मदद से चीनी को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। चीनी जब अच्छे से डिजॉल्व हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे रसना पाउडर। अब सारा रसना पाउडर इसमें ऐड कर दें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। रसना जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब दही लिया है। आप दही को पहले अच्छे से फेंट लें, उसके बाद इसमें ऐड कर दें। दही ऐड करने के बाद आपको इसे मिक्स करना है ताकि जो दही का लम्स है वो इसमें बना ना रहे। जब दही भी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। आइसक्रीम ऐड करने से पहले आप इसमें पानी ऐड कर लें। जितना भी ग्लास आप बनाना चाहते हैं उस ग्लास के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 4 से 5 ग्लास बना पाऊंगी, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसमें आइसक्रीम ऐड कर देंगे। आइसक्रीम में यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी। आइसक्रीम ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपको इसे तब तक मिक्स करना है तब तक जब तक कि आपका जो आइसक्रीम है वो इसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाता। आप चम्मच की मदद से इसे इसमें डिजॉल्व कर लें। आइसक्रीम जब अच्छे से डिजॉल्व हो जाए तब ये रेडी है सर्व करने के लिए। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इस ड्रिंक को जरूर ट्राई करें। अब हम इसे 1 ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे। ग्लास में ट्रांसफर करने के बाद ये पीने के लिए रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसे गार्निश करूँगी बादाम के साथ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।